children, today we will revise our chapter My Family. So first of all, what is family? A group of people living together in a same house and related to each other. जब एक दूसरे से related होते हैं और एक ही घर में रहते हैं, then they form a family. ठीक है? Now we will discuss about three types of family: nuclear family, which is also called small family, large family, and joint family. Now, first of all, we will see nuclear family. A family with parents and one and two children. A family with parents and one and two children is called nuclear family or small family. Second, large family. A family with parents and more than two children is called large family. जब किसी फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, और उनमें उनके जो चिल्ड्रन होते हैं दो से ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या होती है? फैमिली लार्ज फैमिली कहलाती है. ठीक है. थर्ड, ज्वाइंट फैमिली. अ फैमिली विथ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, कजन एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली. ठीक है. तो ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं? आपके पेरेंट्स भी रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, आपके अंकल आंट रहते हैं, आपके कजन रहते हैं, ब्रदर सिस्टर रहते हैं. ठीक है. तो ज्वाइंट फैमिली में क्या है? ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो लार्ज फैमिली भी कहलाती है. और न्यूक्लियर फैमिली क्या कहलाती है? स्मॉल फैमिली कहलाती है. ठीक है. नाउ वी विल सी दिस फैमिली ट्री. यू कैन सी इन फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन है? योर ग्रैंड पेरेंट, योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर. तो आपके जो ग्रैंड फादर और जो ग्रैंड मदर है वो क्या है? फर्स्ट जनरेशन में आते हैं. नाउ कम टू सेकंड जनरेशन. सेकंड जनरेशन में कौन हो गए? आपके पेरेंट हो गए. ठीक है. तो और पेरेंट में क्या फादर और मदर हो गए सेकंड जनरेशन में आपके. सेकंड कौन हो गए? अंकल आंट, चाचा चाची हो गए आपके. ठीक है. और थर्ड आपकी बुआ जी. ठीक है. तो ये क्या आपके सेकंड जनरेशन में आ गए. नाउ कम टू थर्ड जनरेशन. इन थर्ड जनरेशन क्या होगा? उनके आपके जो पेरेंट्स हैं उनके जो चिल्ड्रन है, आपके ब्रदर सिस्टर हो गए, आप भी हो गए, तो क्या है वो इसमें आएंगे, थर्ड जनरेशन में आएंगे. ठीक है. और थर्ड जनरेशन में कौन कौन आएंगे? आपके ब्रदर की जो वाइफ होगी वो भी क्या होगी? वो आपकी भाभी कहलाती है ना, तो वो भी थर्ड जनरेशन में आएगी. फिर जो आपकी थर्ड सेकेंड जनरेशन से अंकल आंट हैं, इनके चिल्ड्रन होंगे, तो वो क्या आपके क्या कहलाएंगे? ब्रदर सिस्टर भी कहलाते हैं, उनको कजन कहते हैं. ठीक है. वो क्या कहलाएंगे? आपके कजन कहलाएंगे. ठीक है. तो क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन में दादा दादी, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए आपके, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर हो गए. सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में क्या कौन हो गए? दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए आपके. ठीक है. और सेकेंड जनरेशन में आपके पेरेंट्स, अंकल आंट एंड बुआ, बुआ को भी आंट कहते हैं. ठीक है. एंड थर्ड जनरेशन में कौन हो गए? आपके ब्रदर सिस्टर हो गए. ठीक है. आपके पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन है वो आपके ब्रदर सिस्टर हो गए और आपकी भाभी हो गई. ठीक है. और जो आपके अंकल आंट के बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं उनके, वो भी वो क्या है? कज़न है आपके, तो वो भी थर्ड जनरेशन में आएंगे. क्लियर हुआ आपको बच्चों? तो ये है फैमिली ट्री. तो आपने सबने सीखा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैमिली: न्यूक्लियर फैमिली, लार्ज फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली. ठीक है. व्हाट इज फैमिली, फैमिली क्या होती है ये भी देखा. और फैमिली ट्री में देखा जनरेशन के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन में कौन आते हैं, सेकंड जनरेशन में कौन आते हैं और थर्ड जनरेशन में कौन आते हैं. नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर चैप्टर एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. ठीक है बच्चों. थैंक यू.